बिहार में विधानसभा की दो सीटों पर 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए। जाप ने महागठबंधन को समर्थन देने का ऐलान किया है। मंगलवार को जाप के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह कुशवाहा ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। उन्होंने कहा, गोपालगंज और मोकामा विधानसभा के उपचुनाव में हमारे कार्यकर्ता महागठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे और आम लोगों से बीजेपी को रोकने की अपील करेंगे। बता दें कि पिछले दिनों पूर्व मंत्री मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी ने कहा था कि वह उपचुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी, उस पार्टी का समर्थन करेगी जो भाजपा को पराजित करेगी। अब पप्पू यादव की पार्टी ने भाजपा के खिलाफ महागठबंधन का समर्थन करने की घोषणा की। मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव होने वाले हैं। जाप के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह कुशवाहा ने कहा है कि आगामी लोकसभा और विधानसभा के आम चुनाव में भाजपा के खिलाफ वोटों के बिखराव को रोकने के लिए महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सीटों के तालमेल के लिए पप्पू यादव को अधिकृत किया गया है। कुशवाहा ने कहा कि पार्टी ने बोधगया में संपन्न मंथन शिविर में यह निर्णय लिया था कि लोकसभा की 11 और विधानसभा के 100 सीटों को चयनित कर इसकी तैयारी की जाएगी। इस दिशा में पहल शुरू कर दी गई है।